और ये रेसिपी हमें लिख भेजी है मधुमिता भट्टाचार्य जी ने कोलकाता से। इन्होंने एक फिरनी बनाने की हमें रेसिपी भेजी है, तो चलिए हम भी इसे बना लेते हैं चित्रा जी। तो पहले बता देता हूँ इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए चावल जो हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रखे हैं, और हमारे पास है यहाँ पर दूध, चांदी का वर्क, हमारे पास है यहाँ पर रोज वाटर यानी कि गुलाब जल, पिस्ता, बादाम, पिसी हुई चीनी, इलायची और इलायची पाउडर। सबसे पहले हमें ग्राइंडर की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें डाल देते हैं चावल, तो इसमें हम डाल देते हैं 1 कटोरी चावल और थोड़ा सा पानी, तो ऑलमोस्ट इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए एक स्मूथ पेस्ट बन गया है इसका। अब हम इसे एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं, और ये वही बोल रहेगा जिसे हम जिसमें हम सारी कुकिंग करेंगे, यानी कि माइक्रोवेव प्रूफ। या तो चावल का पेस्ट हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे करीब 2.5 कप, और इसे अच्छी तरह मिला देंगे। तो इसे अभी हम 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख देते हैं, ठीक है, ताकि इसका जो मिक्सचर है, जो चावल है और दूध है, अच्छी तरह आपस में मिल जाए और थोड़ा पक जाए, ठीक है। ओके, छह मिनट हो चुके हैं, अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए चित्रा जी, एकदम खीर की कंसिस्टेंसी आ गई है इसमें। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं, ठीक है, पिसी हुई चीनी हमारे पास यहाँ है। चीनी स्वाद अनुसार जितनी चीनी आप चाहें, हम इसमें करीब 3 चम्मच तो डालेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं इलायची का पाउडर करीब 1/2 चम्मच, और इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह। इसी वक्त हम थोड़ी सी इलायची भी डाल देते हैं, साबुत इलायची। अब इसे हम 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में फिर से रख देते हैं। तीन मिनट हो गए हैं, माइक्रोवेव हमें बता रहा है कि टाइम खत्म हो चुका है, तो चलिए इसमें से निकाल लेते हैं डिश। ये देखिए तैयार है हमारी फिरनी। आप प्लीज वो मुझे बोल पकड़ा दीजिए। बोल में हम डालते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल देते हैं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इसकी। फिर से मिक्स करेंगे। हाँ, बस मिक्स करेंगे फाइनली, और आप चाहें तो इसे आप थोड़ी देर के लिए ठंडा कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें, और उसके बाद आप इसे सर्व कर सकते हैं। नहीं तो मुझे फिरनी गर्म ही पसंद है, मैं इसे ऐसे ही खा लेता हूँ। बोल में से डाल देते हैं। और अब इसे थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर बादाम, पिस्ता, और थोड़ा सा इलायची पाउडर ऊपर से छिड़क देते हैं। ये लीजिए तैयार हो गई फिरनी खाने के लिए। कौन कह सकता है कि माइक्रोवेव में बनी है। बिल्कुल। चित्रा जी कैसी लगी आपको ये रेसिपी? बहुत अच्छी लग रही है, और इतना टेम्पटिंग लग रही है, मेरा दिल कर रहा है मैं इसे फौरन खाकर देखूं, और मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूं अपने को। फिरनी बनाने के लिए आपको चाहिए भिगोए हुए चावल 5 बड़े चम्मच, दूध 2.5 कटोरी, गुलाब जल 2 छोटे चम्मच, पिसी हुई चीनी 3 छोटे चम्मच, साबुत इलायची 5 से 6, पिसी इलायची 1/2 छोटा चम्मच, पिस्ता और बादाम गार्निश के लिए। इसे बनाने की विधि नोट करें। एक मिक्सर में चावल और पानी डालकर पीस लें। एक बर्तन में पिसा चावल और दूध मिलाएं। अब इसे 6 मिनट तक अवन में पकाएं। इसमें चीनी, पिसी इलायची और साबुत इलायची मिलाकर 3 मिनट माइक्रोवेव करें। अब गुलाब जल मिलाएं, पिस्ता, बादाम और पिसी इलायची से गार्निश करें और सर्व करें।